नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर मुरैना से है। दीप नारायण यादव, पूर्व विधायक झांसी ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में आम सभा को किया संबोधित। मुरैना समाजवादी पार्टी से विधानसभा प्रत्याशी हुकुम चंद बंसल के समर्थन में पूर्व विधायक दीप नारायण यादव झांसी ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बनेगी और गिरेगी और प्रत्याशी जीतेंगे भी, पर आम आदमी चुनाव हार चुका है, यह सब आपके सामने है। कोरोना काल में एक तरफ देश और प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तो दूसरी तरफ प्रदेश पर उपचुनाव का भार डाला गया। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार की राजनीति भी प्रदेश में होगी। संविधान में उपचुनाव का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि किसी प्रत्याशी का देहांत या आकस्मिक घटना होने पर उस सीट पर चुनाव कराया जा सके, लेकिन सत्ता के लालची लोगों ने इसका गलत प्रयोग करके लोकतंत्र की हत्या की है। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वही प्रत्याशी हुकुम चंद बंसल ने जनता से कहा कि कांग्रेसी और बीजेपी दोनों एक ही हैं, ये कभी आपका भला नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपील करता हूं कि मुरैना की समाजवादी पार्टी को नए विकल्प के रूप में चुने। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुरैना से राजीव कुशवाहा की रिपोर्ट। चुनाव क्या कर? हम जनता से प्रार्थना करने आए हैं मुरैना की, खासतौर से कि आपको एक बार फिर मौका मिला है विधानसभा में वोट डालने का। आपने जिनको बना के भेजा था, जिनको जिम्मेदारी थी, वो दल बदल कर चुनाव लड़ रहे हैं या आपके सामने जो हालात है वो आप छुपे नहीं है आपसे। हमारा कहने का मतलब ये है कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता दो बड़े दलों के बीच में फंसी है। दोनों दल मिले हुए अंदर से, पहले से भी मिले हैं और अब तो सारी चीज़ सामने आ रही है। इनकी नीयत एक है, इनकी नीति एक है, ये जनता पे शासन करना चाहते हैं। पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, रोजगार का इंतजाम नहीं है, किसान की मदद नहीं की गई है। इतनी बुरी हालत है कि अगर मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के आदमी को बगल में खड़ा करते हैं तो डिफरेंस नज़र आता है। ये हालत बनाने के पीछे अगर कोई है तो वो सियासी फैसले हैं। ये दो बड़े दल हैं जिनका नाम बड़ा है, ताकत बड़ी है, जनता ने बड़ा भरोसा किया है, पर हर बार इन्होंने भरोसा तोड़ा है और जनता के साथ छल 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 किया है। मैं कह सकता हूँ एक बार मौका मिला है मुरैना की जनता को कि वो अपना फिर प्रति चुन सकें। मैं ये भी आप लोगों के द्वारा या लोगों से सुन रहा हूँ कि दो बड़े दलों में टक्कर है। मैं कह सकता हूँ ये दो बड़े दल जीत सकते हैं, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि इन दो दलों में जनता फंसी है। लेकिन इसका श्रेय जनता को नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर इस हालात में यदि जनता ने हुकुम चंद बंसल जी को वोट दे दिया तो मैं कह सकता हूं कि मुरैना की जनता का एहसास पूरे प्रदेश में होगा कि जिंदा दिल लोग रहते हैं, निर्णय करने वाले लोग हैं, लोग गुलाम नहीं आजाद हैं, लोगों के फैसले से लोग बनते हैं, ना कि कोई दल के नाम पर वोट पाना चाहता है। मैं हमारी समाजवादियों की लड़ाई ये है, हम कहते हैं कि अखिलेश यादव की कोशिश थी कि सरकार अगर मिलेगी तो जनता को तरक्की का साधन बना के दिखाएंगे। 17 लाख लैपटॉप बांटते हैं गरीब मजदूर के बेटों को, 1200 करोड़ रुपए कन्या विद्यादान के नाम का गरीब किसान की बेटियों को बांटे जाते हैं कि लड़कियां पढ़ने की तरफ बढ़े, ये धारणा गांव में खत्म हो, किसान के मन से ये बात निकले कि बेटी पराया धन है, बल्कि बेटी देश का धन है। यदि हम उसको पढ़ाने का साधन दे दें, उसको आगे बढ़ने का मौका दे दें, तो किस किसान मजदूर की बेटी आगे जाकर क्या बनेगी, भविष्य तय करेगा। मैं कह सकता हूँ इस तरह की योजनाएं लेकर अखिलेश यादव जी आए, जिसके पीछे एक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ, उनके फैसलों पे आज देश में चर्चा है। पेंशन योजना लेकर आए, 70% बजट गांव पे खर्च किया, गांव को बदला है। प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास योजना आती है, इसमें 1,20,000 रुपए में आवास बनाने की बात कही जाती पूरे देश में।